10 साल पहले बंबई में एक तूफान आया था। तो दोस्तों, अक्षय कुमार काफी समय से एक बड़ी हिट का इंतजार कर रहे थे। उनकी फिल्म तो OMG 2 सुपर हिट रही, लेकिन मिशन रानीगंज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं रही। वही अक्षय कुमार की कई अपकमिंग मूवीज आनी है, जिसमें मोहरा 2 भी शामिल है। बता दें, मोहरा अक्षय कुमार की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। रवीना टंडन और सुनील शेट्टी के साथ उनकी फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 3 करोड़ था। इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की। क्या आपको अंदाजा है कि मोहरा ने आज कितनी कमाई की होगी? मोहरा अक्षय कुमार के प्रशंसकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 2 करोड़ 15 लाख टिकट बेचे। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 15 लाख की कमाई की और दुनिया भर से कुल कमाई 22 करोड़ 64 लाख 50 हजार रुपए की थी। अगर महंगाई दर का हिसाब लगाए तो 2023 तक फिल्म का बजट 25 करोड़ होगा, दुनिया भर में 165 करोड़ रुपए। वही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई करीब 87 करोड़ रुपए होगी। इतना ही नहीं, फिल्म मनोरंजन से भरपूर थी। मोहरा क्राइम थ्रिलर ड्रामा रोमांस रहस्य और एक्शन का एकदम सही मिश्रण थी। फिल्म के गाने चार्टबस्टर थे। ये आज तक लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य शायद ही कम लोग जानते होंगे। इस फिल्म के लिए रवीना टंडन की जगह पहले दिव्या भारती पहली पसंद थी। बाद में रवीना टंडन फिल्म में नजर आई। अक्षय कुमार ने 1951 में फिल्म सोगन से बॉलीवुड में एंट्री की। ये फिल्म औसत थी। इसके बाद 1992 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ी, जो कि एक हिट फिल्म रही। वही हाल ही में 1 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को 19 साल पूरे होने के मौके पर रवीना टंडन ने इस फिल्म से जुड़ी कुछ पोस्ट शेयर की थी, जिस पर कई फैंस ने कमेंट कर मोहरा 2 बनाने की मांग की थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोहरा 2 बननी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ट फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।